हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश्वर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चल रही हैं युवराज बैच की क्लासेस और ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें कि हम टेंस के टेस्ट लेने जा रहे हैं। और टेंस का टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने पास्ट इनडेफिनिट कर लिया है, ओके, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस कर लिया है और हमने पास्ट परफेक्ट कर लिया है। तो पास्ट के केस में हमने तीनों इंडेफिनिट भी कर लिया है, हमने कंटिन्यूअस भी कर लिया है, हमने परफेक्ट भी कर लिया है, और हम इसका चौथा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको बता देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए कि ये टेंस कहाँ पर यूज होता है। अगर कोई चीज़ पहले से चलती आ रही थी और पिछले समय में भी हो रही थी, मतलब बात पास्ट की है, खत्म भी पिछले समय में हुई है और चलती आ रही थी, मतलब पुराने समय की बात है और लंबे समय तक चली है, ठीक है ना। जैसे कि आप बात करेंगी कि एम एस धोनी वर्ल्ड कप फाइनल में 2 बजे से खेल रहा था, ओके, देखिए खेल रहा था मतलब तब से चलता आ रहा था 2 बजे से, है ना, और तब से खेल ही रहा था। तब से क्या कर रहा था? खेल ही रहा था, मतलब जब आपने टीवी ऑन करी थी उस समय, आपने जिस समय टीवी ऑन करी थी उस समय भी महेंद्र सिंह धोनी वहां पर क्या कर रहा था? खेल रहा था, मतलब पुराने समय से खेल रहा था, और जब आपने टीवी ऑन करी तब भी खेल रहा था। मतलब यदि पुराने समय में एक टाइम का गैप मिलता आपको, तो समझ लो कौन सा टेंस है, पास्ट है, परफेक्ट है, और क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब जहां पर कोई काम चल रहा हो। तो जनरली कंटिन्यूअस में पहचानने का तरीका होता रहा रही रहे, ओके, क्लियर हो गया ना, यस। और बाकी वैसे भी कंटिन्यूअस जाना जाता, मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया, जैसे मैंने कहा था क्या बैठा। अब भैया बैठना एक ऐसी प्रोसेस है कि आप कुर्सी पे बैठे हो, है ना, तो फिर भी बैठे ही तो रहोगे, मतलब काम हो तो रहा है बैठने का, तो ये भी एक लगातार प्रोसेस है। जैसे मैं कहूँ खड़ा, तो खड़ा का मतलब क्या, आप खड़े ही रहोगे, काम तो हो रहा है ना, भले आप एक जगह पे खड़े हो, तो ये भी इसके लिए क्या यूज होगा, स्टैंडिंग, क्या यूज होगा इसके लिए, क्या यूज होगा, स्टैंड, सिटिंग, क्या यूज होगा, सिटिंग। मतलब आप नहीं कहोगे कि सर बैठा है तो आप सिट लगाओ, है ना, खड़ा स्टैंड, खड़ा है तो आप स्टैंड लगाओ, नहीं, क्योंकि वो एक प्रोसेस कर रहा है, वो काम लगातार कर रहा है। तो अगर आपको लगातार का फीलिंग आ रही हो, लगातार बैठने की फीलिंग आ रही हो, तो आपको क्या, सिटिंग और स्टैंडिंग लगाना पड़ेगा, ओके। चलिए खैर, हम अपने काम पे वापस आते हैं, ये हमारी वर्कशीट आपके सामने ओपन हो चुकी है, ओके, और अब हम करेंगे इनका पूरा का पूरा सोल्यूशन। एक्सरसाइज नंबर 31 है, हर टेस्ट में 5 एक्सरसाइज मैं कराता हूँ, मतलब यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, मतलब टोटल आउट ऑफ 50 आपको अपने मार्क्स काउंट करने हैं कि 50 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। हर स्लाइड में आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। देखिए, अब देखिए आपने सी हैड करा, बीन नहीं लगाया। अरे भाई, गाना गा रही थी मतलब कोई काम चलते आ रहा था, और अगर कोई काम चलते आ रहा है पहले समय में, तो याद रखना हमेशा बीन लगता है। क्या लगता है? बीन, चाहे वो प्रेजेंट का काम चलते आ रहा है, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट का हो, अगर कोई काम चलते आ रहा है तो क्या लगेगा? बीन। क्या लगेगा? बीन बताता है कि वो काम चलता आ रहा है, ओके। तो आप पहले ही क्वेश्चन में आप बीन भूल गए, 0 दे दीजिए बच्चों। चलिए इसका हम देखते हैं कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, ओके। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी, तो कहां से शुरू होगा? शी से, फिर क्या आएगा? हैड बीन, शी हैड बीन, फिर क्या आएगा? सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। 2 घंटे मतलब अनिश्चित समय, तो क्या आएगा? फॉर 2 आवर्स। हाँ, तो अब तो आपने बिल्कुल सही बता दिया, तो 1 मार्क्स ले लीजिए। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। लेट्स अगला क्वेश्चन करते हैं। हम सोमवार से स्कूल, लिख दिया भाई सभी, स्कूल होगा, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। ये देखिए, हम सोमवार से, आप पुरानी बात किसी को बता रहे हो कि भाई साहब उस समय तो हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, मतलब पुराने समय की बात, उसमें भी एक लंबा समय जुड़ा हुआ है। यस, बताइए। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे।
वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, आपने कहा है, देखिए वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, बिल्कुल सही, वन मार्क्स, फुल मार्क्स, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। वे दोनों भाई दो घंटे से अपने खेत में पानी दे रहे हैं, पानी देने को वाटरिंग बोलते हैं। वे दोनों भाई दो घंटे से अपने खेत में पानी दे रहे हैं, बताइए क्या होगा। They both brothers had been watering the plants. Watering भाई प्लांट तो आया नहीं कहीं पर, watering है ना, खेत आया, watering in the farm for 2 hours. चलिए गलत बोला, काफी आपने जीरो दे दीजिए कि आपने सेट नहीं कर पाए हैं। Those two brothers है ना, दो दो ज्यादा है भाई, दो हैं दोस्त टू ब्रदर बूथ नहीं आएगा, बूथ यानी साथ होता है। दोस्त टू ब्रदर्स हैड बीन वाटरिंग इन दे वाटरिंग देयर फील्ड, वाटरिंग देयर फील्ड या वाटरिंग देयर फार्म भी बोल सकते हो, खेत को बेटा फार्म भी बोलते हैं, वाटरिंग देयर फार्म या वाटरिंग देयर फील्ड फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, तो नोट कर लीजिए इसको, दोस्त टू ब्रदर्स हैड बीन वाटरिंग देयर फील्ड फॉर 2 hours। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था, मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था या टहल रहा था। I had been walking since morning. अब पार्क तो यहाँ है ही नहीं कहीं। Walking in the park since morning. ओके, सो आपने कहा आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी, वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। दैट गर्ल हैड बीन हाँ लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1995. That girl had been living in this city since 1995. Very good, बिल्कुल सही, that girl had been living in this city since 1995. शाहिद सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा था, सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा था। शाहिद had been doing hard work since Monday. शाहिद had been doing हार्ड वर्क सिंस मंडे, शाहिद हैड बीन वर्किंग हार्ड, बेटा लिख लीजिए कॉपी में, मेहनत करने को बोलते हैं वर्किंग हार्ड, क्या बोलते हैं, हालांकि डूइंग हार्ड वर्क भी गलत नहीं है बट ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, अच्छा है ना, वर्किंग हार्ड क्या बोलते हैं, वर्किंग हार्ड, डूइंग हार्ड वर्क से अच्छा है वर्किंग हार्ड। शाहिद हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे, शाहिद हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे। चलिए नेक्स्ट देखिए, वे शाहिद का हो गया, वे एक घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वे एक घंटे से आपकी स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दे से स्टार्ट होगा, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर यू, ऑफ यू, वेटिंग फॉर यू फॉर टू, फॉर वन आवर्स। हाँ, और स्टेशन कहाँ गया भाई, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू इन द स्टेशन। ओके, लेट्स चेक, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, एट द स्टेशन फॉर वन आवर, इन द स्टेशन नहीं लगेगा, एट द स्टेशन, ठीक है ना, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन फॉर वन आवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वे एक घंटे से स्टेशन, तुम अपना पार्ट सुबह से याद कर रहे थे, तुम अपना पार्ट सुबह से याद कर रहे थे, बताइए क्या आगा, यू हैड बीन याद करना, लर्निंग, You had been learning your lesson since morning. बिल्कुल सही, You had been learning your lesson since morning. तो ये हमारा यहाँ पर अफर्मेटिव हो गया है, सकारात्मक प्रकार के वाक्य हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नकारात्मक प्रकार के वाक्यों की तरफ, नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 32 करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला इसमें आ रहा है, मोहन दो घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, मोहन दो घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, मोहन His book for 2 hours. चलिए बहुत बढ़िया बताया आपने, देखते हैं सही की गलत। ओके, देखिए, मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम सही बताया आपने, मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक ओके
फॉर टू आवर्स, बिल्कुल सही। चलिए अगला, तुम्हारा भाई 2 घंटे से इस कमरे में नहीं सो रहा था। योर ब्रदर हैड नॉट बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर टू आवर्स। योर ब्रदर हैड नॉट बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर टू आवर्स, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे थे। द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग द स्पीच फॉर डिलीवरिंग द स्पीच इन दिस स्टेज ऑन दिस स्टेज फॉर 1 आवर। द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन द स्टेज ऑन द स्टेज फॉर 1 आवर, बिल्कुल सही, फुल मार्क्स। चलिए, वह उस स्कूल में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल इन दैट स्कूल सिंस 2012। ओके, ही हैड नॉट बीन स्टडीइंग इन दैट स्कूल सिंस 2012, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे पिताजी 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। माय फादर हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट। ओके, देखते हैं यहाँ पे, माय फादर हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट, वेरी गुड, है ना। जैसे आपने समय 2 घंटे में फॉर लगाया, वैसे यहाँ पे भी फॉर लगाया, अच्छी बात यह है। माय फादर हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट, वेरी वेल डन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गली में 1 घंटे से बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। इस गली में 1 घंटे से बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। इन दिस स्ट्रीट द चिल्ड्रन इन दिस स्ट्रीट द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन making noise for 1 hour. Okay, the children had not been making a noise in this street for 1 hour. आपने in this street आगे कर दिया, तो बिल्कुल सही है, आपका भी सही है, ये भी सही है। The children had not been making a noise in this street for 1 hour. Exactly. इस कमरे में मास्टर जी 10 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। इस कमरे में मास्टर जी 10 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। ओके, इन दिस रूम द टीचर, तो चलिए, द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम सिंस 10 o'clock, बिल्कुल सही, आपका भी सही है, है ना। आपने इन दिस रूम से स्टार्ट किया, यहाँ पे द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम सिंस 10 o'clock। लड़के मैदान में 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। The boys, आप भाई ग्राउंड तो छोड़ दिया आपने, हाँ, the boys had not been playing cricket on the ground for 1 hour, बिल्कुल सही, फुल मार्क्स है आपका भी। चलिए अगला चलते हैं, इसके बाद हम अगले हैं, हमारे पास 32 एक्सरसाइज हो चुकी है हमारे पास, अब हमें आना है 33 एक्सरसाइज पे, और 33 एक्सरसाइज पे हम करेंगे WH टाइप के क्वेश्चन, सॉरी इंट्रोगेटिव टाइप के क्वेश्चन, WH इसके बाद में आएंगे, पहले हम कौन से करेंगे, इंट्रोगेटिव। क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई कर रही थी। चलिए, तो आपको 0 मिलेगा यहाँ पर, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, देखते हैं इसका सलूशन क्या।